उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। लास्ट में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमा दिया कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं तो कैसे शऊर हासिल होगा? शऊर उसी को हासिल होगा जिसे अल्लाह ताला शऊर अता फरमाएगा। बहुत से ऐसे शहीद हैं जो लड़ते चले गए, कालपी शरीफ का वाकया है, जंग हो रही है, बगैर सर के 12 मील तक काटते चले गए कुफारों से। तो किसी ने टोक दिया, यार ये तो कैसा आदमी बगैर सर के लड़ रहा है, तो वही गिर के शहीद हो गए। हमारे महोबा का वाकया है, मुगल लादे का, चले गए काटते हुए 3 किलोमीटर तक काटते चले गए। किसी ने देखा, अरे कल ये तो बगैर सर के लड़ रहे हैं, गिरे वही शहीद हो गए। सर कहीं दफन है और धड़ कहीं दफन है। यही हाल इमाम अली मकाम का है। धड़ आपका करबला शरीफ में है और सर जन्नतुल बकी में है, अपनी वालिदा के बगल। तो जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। वमा